अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि आप मेरा थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसे क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। और मुझे अब धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूँगी, तो मुझे लगता है इस टॉपिक पे बात करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी मैं अपना काम कर रही हूँ ना, तो लोग मुझे अपना काम ही नहीं करने दे रहे हैं। आज आपके जो भी डाउट्स है सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपको शायद याद होगा, मैंने एक मेरे चैनल पर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। आप जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताओगे ना, आपके घर पर कौन कौन है, आपके मम्मी है, पापा है, आपके सिस्टर्स है, आपके ब्रदर्स है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, सारी चीज़ें तो आप बताओगे ना अपने वीडियो पे। और ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है, ठीक है? तो आप अपने इंट्रोडक्शन से ही तो स्टार्ट करोगे ना। तो मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने उसके बारे में भी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। अब अगर तुम सेलिब्रिटी हो तो क्या मैं रियलिटी में नहीं बताऊँ? जो रियल है मैं वो तो बताऊँगी ना, जो रियलिटी है वो तो मैं बताऊँगी। तो मैंने वही किया और शायद उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो उसने क्या किया, कॉपीराइट देकर वीडियो को डिलीट करा दिया। अभी इसमें मैंने नेगेटिव कहाँ पर फैलाई है? इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना क्या नेगेटिविटी फैलाना होता है? थंबनेल में मेरी फ़ोटोज़ थी, मेरे फ़ोटो थे, मेरी छोटी सिस्टर के फ़ोटो थे और उसके भी फ़ोटो थे, ठीक है? तो उसने क्या किया, वो वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक देकर डिलीट करा दिया। अब मुझे नहीं पता उसने क्यों ऐसा किया, मुझे नहीं पता उसे क्या प्रॉब्लम है, वो हमें क्यों डिनाई करती है, ये मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं है, ठीक है? तो चलो, डिलीट कराया तो कराया। अब आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, उसके बाद उसने 2-3 महीने पहले अपने वीडियो पे 3 से 4 महीने पहले अपने वीडियो पे शादी वाली वीडियो डाली थी, जिसमें हम थे, मेरी छोटी वाली सिस्टर थी, उसने दिखाया जैसे विदाई का टाइम है, हम गले लग रहे हैं, ये सारे वीडियोस उसने अपनी शादी वाली वीडियो में डाली थी। हमने तो तुम्हें नहीं बोला तुमने हमारे वीडियोस को क्यों डाला, तुमने हमारा वीडियो को तो हमने तो तुम्हें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दिया, हमने तो तुम्हारे वीडियो को डिलीट नहीं कराया, फिर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तुम्हें इतनी जेलेसी क्यों है, आखिर बता ही दो क्यों है। और देखिए, कुछ दिन पहले ना, दो तीन दिन पहले उसने अपने कमेंट सेक्शन में जाकर पिन किया, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती और उन्होंने मेरा नाम अपने वीडियो पे नहीं लिया, किसके बारे में बात कर रही है क्लियर नहीं है, बट व्यूज़ के लिए मेरा चैनल का नाम यूज़ कर रही है, बट व्यूज़ के लिए मेरे चैनल का नाम को यूज़ कर रही है, ठीक है? ऐसे करके उसने क्लैरिफाई किया और ये भी लिखा कि हाँ, वो मेरी सिस्टर्स नहीं है, ये भी उसने क्लियर किया अपने कमेंट सेक्शन में। तो जब हम तुम्हारे सिस्टर्स नहीं हैं तो हम कुछ भी करें, तुम कॉल करके क्यों फैमिली में बता रही हो कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, मैं तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं केस कर दूंगी, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम करो तो सब कुछ ठीक। अगर हम तुम्हारे सिस्टर्स नहीं हैं तो तुम्हें भी तो वो शादी वाली वीडियो तो नहीं डालनी चाहिए ना, तुम भी क्या व्यूज़ के लिए कर रही थी? यहाँ पर तुम टोटली डिनाई कर रही हो कि हम तुम्हारे सिस्टर हैं, फिर तुमने अपने शादी वाली वीडियो में हमें क्यों दिखाया है? आप अगर रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आपको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर चेक कीजिए। अभी उसने वो वीडियो को डिलीट कर दिया या फिर हाइड कर दिया मुझे नहीं पता, ताकि दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए, इसीलिए क्या क्या उसने अपने चैनल से ही वीडियो को हाइड करके रखा है अभी, लेकिन हमने वो वीडियो को डाउनलोड करके हमने पहले ही रख लिया, ठीक है? वो यहाँ पर कितना लोगों में स्वीट बन रही है और अंदर ही अंदर आप देखो कितना वो गेम खेल रही है। तो ठीक है, तो जब तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना है हम तुम्हारे सिस्टर्स हैं, तो हम जो भी करें तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर सकती हो और हम नहीं कर सकते? तुम व्यूज़ के लिए लोगों में इंप्रेशन दिखाती हो कि देखो हमारे सिस्टर्स के साथ हमारी कितनी बॉन्डिंग है, और हम अगर इंट्रोडक्शन वीडियो में तुम्हारा नाम थोड़ा ले लेते हैं तो तुम्हें बुरा लग जाता है। और जब तुम डिनाई कर रही हो, जब तुम इनकार कर रही हो, साफ मना कर रही हो कि हम तुम्हारे सिस्टर्स हैं, तो तुम कॉल करके फैमिली में क्यों धमकी दे रही हो, मैं केस कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो तुम कॉल करके क्या साबित करना चाहती हो कि कोई मुझे बताए? जब तुम्हारा यहाँ पर कोई सिस्टर ही नहीं, कौन सुनेगा तुम्हारी बात? और मैं अननोन पर्सन की बात क्यों सुनूँ फिर?
और नंबर कहाँ से मिला तुमको, जब तुम कॉल करके परेशान कर रही हो फैमिली में? जब सिस्टर्स नहीं है तो फिर कॉल वॉल मत करो, परेशान मत करो दूसरों को, डिस्टर्ब मत करो, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तुम जो सोच रही हो कोई कॉल करके, तुम वहाँ पे फैमिली में कॉल करोगी, वो लोग मुझे कॉल करके बताएंगे, तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं क्यों सुनूँ किसी की बात? जब तुमने कन्फर्मेशन दे दिया मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, तो मुझे भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अननोन पर्सन की बात क्यों सुनूँ? तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, मुझे जो सही लगेगा मैं करूँगी, मुझे जो मेरे चैनल के लिए सही लगेगा मैं वो करूँगी, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, उसके बाद मैं भी देखूँगी मुझे क्या सही लग रहा है, फिर मुझे फ्यूचर में फिर क्या करना है वो फिर मैं डिसाइड करूँगी। तो कॉल कर परेशान नहीं करो। तुम सोचती हो मुझे कॉल करके कोई परेशान करेगा, मेरी फैमिली वाले मुझे कॉल करेंगे तो मैं डर जाऊँगी, मैं अपने चैनल को डिलीट कर दूँगी। क्यों करूँ मैं अपने चैनल को डिलीट? मैं यहाँ पर कहाँ पर रॉन्ग हूँ? फिर तुम्हें भी तो यूज़ नहीं करना चाहिए ना, दूसरों को यूज़ नहीं करना चाहिए, दूसरों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 2 साल पहले भी तुमने ये किया था, जब तुम न्यू यूट्यूब में आई थी ना, उसके पहले भी तो यही किया था ना, लोगों को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, उसके बाद लोगों को ठेंगा दिखाती हो, भूल गई। तुम्हें तो हमारे वीडियो को प्रमोट करना चाहिए, तुम्हें तो हमारे प्रमोशंस करने चाहिए, वो तो छोड़ो, तुम तो और पीछे लग गई हो नीचे करने के लिए। सबके ड्रीम्स होते हैं, सबके लाइफ है, सबकी नीड्स है, सबको खुश रहना है, सबको अपना ड्रीम पूरा करना है, तो मैं भी कर रही हूँ, पूरे लोग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? पूरा दुनिया फ्री है, मुझे फ्रीडम नहीं है अपने लाइफ अपने हिसाब से जीने की? और रही टाइटल की बात, तुम टाइटल लगाती हूँ मैं, क्यों लगाती हूँ? मेरे चैनल के लिए जो सही लगेगा मैं वो करूँगी, तुम्हारे लिए तुम्हें जो सही लग रहा है तुम कर रही हो, तुम दूसरों को यूज़ कर रही हो, सब कुछ कर सकती हो, तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी है। क्यों तुम्हारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स है, तुम्हें हर चीज़ करने की आज़ादी है, दूसरों को आज़ादी नहीं है? तुम जो बार बार मेरे ऊपर फेक एलिगेशंस लगाती हो कि मैंने कंटेंट को यूज़ किया है, कहाँ पर यूज़ किया है तुम्हारे कंटेंट को? मैं यहाँ पर जो भी मेरा डेली रूटीन होता है, मेरे बच्चों का रूटीन है, मैं वही दिखा रही हूँ। थंबनेल कोई एक सेकंड का भी क्लिप मैंने, उसके वीडियो का क्लिप उठाकर मैंने अपने चैनल पे नहीं लगाया है। यहाँ पर लोग कॉपी पेस्ट करके पूरे कंटेंट को अपने चैनल पे डालते हैं और चलाते हैं, थंबनेल भी उसी का है, मैंने कल ही दिखाया है। कितने सारे लोग ये कर रहे हैं, उसका तो कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसे जाओ केस करो, कॉपीराइट स्ट्राइक दो, किसी को भी तो नहीं दे रही हो तुम, मेरे पीछे हाथों पर क्यों पड़ गई हो? मुझे मेरा काम करने दो। अगर ऐसे इसी तरह धमकी देती रही ना, तो फ्यूचर में जो जो होता रहेगा मैं सारे अपडेट्स यूट्यूब पे मैं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। तुम करो तो सब कुछ सही, दूसरे करे तो गलत, ऐसा क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा बार बार? और देखिए, उसने कमेंट सेक्शन में खुद जाके क्लियर किया है कि मैं फेक हूँ, मैं उसकी सिस्टर नहीं हूँ, तो बहुत कमेंट मुझे इस पे भी आता है, तो मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे प्रूफ करने के लिए मैं उसकी सिस्टर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन कोई सामने वाला इंसान ही अगर आपको डिनाई कर रहा है, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उसे अपनी सिस्टर बोलने का। और तुम जो बार बार ये फेक एलिगेशंस मुझ पे लगाती हो, मैंने तुम्हारे कंटेंट को उठाकर लगाया है या फिर थंबनेल को उठाकर लगाया है, तो अगर मैं यहाँ से क्लेम करूँ ना यूट्यूब पे, तो तुम्हारे भी चैनल को हार्म हो सकता है। तुम ये मत समझो मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स है तो मैं सबका बहुत कुछ कर लूँगी और कोई कुछ मेरा नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं। YouTube की जो पॉलिसी होती है ना, वो चाहे मिलियन के सब्सक्राइबर्स हो या फिर किसी के 100 सब्सक्राइबर्स हो, दोनों के लिए बराबर होती है। तो आप ये मत समझो कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो आसमान को टच कर रहे हैं, तो मैं तो सबका बिगाड़ पाऊँगी, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, इस भरम में मत जियो। और तुम जो जिस जगह में भी रहती हो, तुमने जो चैनल के नेम को लगा कर रखा है, तो क्या तुम उस जगह में भी रहती हो? तुम तो खुद अपने चैनल के नेम को मिसलीड कर रही हो, तो तुम किस बेसिस पे मुझे बता रही हो? और एक चैनल के 1000 नेम हो सकते, क्या गारंटी मैंने तुम्हारा टाइटल लगाया है कोई प्रूफ? मैंने तुम्हारा इमेज लेकर लगाया है या फिर मैंने तुम्हारा कॉन्टेंट उठाकर लगाया है? तो फिर केस करने का क्या मतलब है? तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी, लेकिन कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करो, जो करना है करो लेकिन डिस्टर्ब नहीं करो। मुझे जैसे मेरे फैमिली मेंबर में कॉल करके वो बार बार परेशान कर रही है, तो देखिए मैं जो काम कर रही हूँ ना, मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये जो बार बार कॉल आ रहा है ना, उससे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो ये करना बंद करो। अगर फ्यूचर में फिर से अगर ये कॉल्स वगैरह करती है, तो मैं उसके भी अपडेट्स दूंगी। अगर ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो शायद मुझे नाम भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब भी मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, ये मुझे काम पे फोकस ही नहीं करने दे रही है। मैं कुछ भी यहाँ पे कंटेंट मेरा है, थंबनेल मेरा है, रही टाइटल की बात, तो एक इंसान के 1000 चैनल नेम हो सकते हैं। ये तुम अपने ऊपर मत लो कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया है। अगर मैं रॉन्ग होती तो मुझे यूट्यूब ही अलाउ नहीं करता ये करने के लिए, मुझे यूट्यूब ही नहीं अलाउ करता। अगर मैं कम्युनिटी गाइडलाइन के
अगर मैं गाइडलाइन के अगेंस्ट में कोई काम करती ना तो मैं वीडियो ही पोस्ट नहीं कर पाती। तो ये करना बंद करो, और मेरा चैनल है, मेरी जो मर्जी मैं वो करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते थे, आई होप आपको इसके आंसर मिले होंगे। अब फिर भी बहुत लोग बोलेंगे मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ। अब किसी की मैं थिंकिंग को मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मैं व्यूज़ के लिए झूठ नहीं बोलती हूँ सोशल मीडिया में। मैंने व्यूज़ के लिए किसी भी तरह का झूठ नहीं बोला है, जो रियलिटी है वही आपको बताया है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, बाय बाय।